अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका सब्जेक्ट टीचर मोहम्मद अजीम। हम दो पहले जो है ना इस सबक को अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ रहे हैं। इसके हम दो लेक्चर पढ़ चुके हैं, अब आज हम पढ़ेंगे तीसरे लेक्चर से। थर्ड लेक्चर हमारा शुरू होगा पेज नंबर 13 से। ये आपको नज़र आ रहा है अबू शुएब से। चलें आगे, हम आगे पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु एक अंसारी थे। उनका ग़ुलाम बाज़ार में गोश्त की दुकान रखता था। एक दिन वो खिदमत अक़दस में आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के हलके यानि के जमात के साथ, हलके में हलका या अहबाब यानि दोस्तों के साथ मिल बैठना में तशरीफ़ फरमाते और चेहरे से भूख का असर पैदा था, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अबू शुएब रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाकर ग़ुलाम से कहा कि 5 आदमियों का खाना तैयार करो। खाना तैयार हो चुका तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ कदम रंजा फरमाएं। कदम रंजा का मतलब है तशरीफ़ लाएँ। कुल 5 आदमी थे। राह में एक और शख्स साथ हो लिया यानी हो गया। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू शुएब रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ये शख्स बेकह साथ हो लिया है, तुम इजाज़त दो तो ये भी साथ आए वरना रुख्सत कर दिया जाए। उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी साथ लाएं। तो ये देखें, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। किसे? वो इस अंदाज से कि जो है ना, जब आपको कोई दावत दे तो अगर आपको ही दावत दी है तो आप ही अकेले जाएँ। ये एक अदब भी है दावत का, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात से हमें सिखाया, जो इस वाक़े में हमने सुना। वो किस तरह, क्यों? उसकी वजह यह है कि देखें, आपके मेज़बान ने जो आपको बुला रहे हैं, आपको उन्होंने जो आपकी दावत की है तो उन्होंने खाना बनवाया था 5 लोगों का, सही है? तो 5 लोगों का खाना बनवाया था, बसा औकात जो है ना, फिर अगर एक आदमी ज़्यादा बढ़ जाता है तो खाना जो है ना 5 आदमियों में पूरा नहीं होता। तो इसलिए इजाज़त लेना मेज़बान से ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कितने लोगों के लिए कहा था? 5 लोगों के लिए कहा था। जब 5 लोगों के लिए कहा था तो 6 लोग कैसे आएंगे? इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इजाज़त उनसे लेकर फिर उस आदमी को अपने साथ ले लिया। इसी तरह हमें भी जो है ना अपने यहाँ दावतों में जाते हैं तो अगर दावत है या कोई बुलाता है तो अगर 2 बंदों को बुलाता है तो 2 ही बंदे जाएं, 3 को बुलाता है तो 3 ही जाएं। अगर मज़ीद जो है ना आप किसी को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं तो अगले बंदे से इजाज़त ले लें, वो इजाज़त दे दें तो फिर आप उनको साथ लेके जाएं। ये भी एक अदब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए रहनुमाई और बेहतरीन नमूना है। किसी शख्स की कोई बात नापसंद आती तो अक्सर उसी के सामने उसका तज़किरा न फरमाते। एक ये भी अदब है कि अगर आपको किसी की बात पसंद ना आए तो आप उसके सामने ये ना कहें, यार तू कैसा आदमी, क्या कर रहा है, बुरी आदत है ये तेरी को। इस तरह हम बोलते हैं ना। देखें, तरीका हम वही अपनाएंगे समझाने के एतबार से भी जो हमारे मुआशरे में हमारे सामने ऐसा होता है, तो हम तो ऐसे बोलते हैं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? उनके सामने उसका तस्करा नहीं फरमाते थे। एक दफ़ा एक साहिब अरब के दस्तूर के मुताबिक ज़ैफ़रान लगाकर खिदमत में हाजिर हुआ। ज़ैफ़रान एक जो है ना खुशबू वगैरह है, एक रंग वगैरह है। ज़ैफ़रान एक पौधा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना फरमाया। जब उठ कर चले गए तो लोगों से कहा कि उनसे कह देना कि ये रंग धो डालें। ये भी एक अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने जो है ना हमें अदब सिखाया। एक दफ़ा एक शख्स ने बारियाबी की इजाज़त चाही, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होने की इजाज़त जो है ना चाही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा आने दो। वो अपने कबीले का अच्छा आदमी नहीं था, लोग कबीले वाले उसको जो है ना अच्छा आदमी नहीं समझते थे, लेकिन जब वो खिदमत मुबारक में हाजिर हुआ तो नहायत नरमी के साथ उससे गुफ्तगू फरमाई। किसने नरमी के साथ गुफ्तगू फरमाई और किस आदमी से गुफ्तगू फरमाई? अल्लाह का नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी से अच्छे अंदाज में नरमी के साथ गुफ्तगू फरमाई जो कबीले में भी अच्छा आदमी नहीं समझा जाता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा
को इस पर ताज्जुब हुआ, यानी वो हैरान हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, यानी मालूम किया, दरियाफ्त फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसको अच्छा नहीं समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा के नज़दीक सबसे बुरा वो शख्स है जिसकी बदज़ुबानी की वजह से लोग उससे मिलना जुलना छोड़ दें। देख लें कितनी बहुत बड़ी बात है, हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हम जो है क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा शख्स कौन है जिसकी बदज़ुबानी की वजह से लोग उससे मिलना जुलना छोड़ रहे हैं। पॉइंट नोट करें, पॉइंट बात यहाँ पे समझें कि जो है ना, हम घर में अम्मी अब्बू के साथ बसा औकात बहुत गलत रवैया, बहुत बुरा बिहेव करते हैं, तो अम्मी अब्बू भी हमसे बात करते हुए डरते हैं। क्यों? अगर हम इसको कुछ बोल देंगे तो ये जो है ना आगे से कुछ और बोल देगा, बदअखलाकी से पेश आएगा, बुरा भला कहना शुरू कर देगा। और ये ऐसा शख्स खुदा के नज़दीक सबसे बुरा शख्स है। और हम क्या कहते हैं, हमारी हर बात मानी जाती है, हम तो घर पे गुस्सा करते हैं तो अम्मी भी मान जाती है, अब्बू भी मान जाते हैं, घर वाले भी मान जाते हैं, सारे के सारे लोग भी डरते हैं, हमारे सामने कोई बात नहीं करता। बेटा आप समझ लें कि ये बात न करना, लोगों का न मिलना, ये बदज़ुबानी की वजह से भी होता है। वो हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर बताता है कि जो है ना हमें जो है ना लोग हमसे दूर क्यों हैं, हमसे डरते क्यों हैं। तो ज़रा इसके ऊपर गौर व फिक्र करें, अगर हम में ये आदत है तो हम इस आदत को छोड़ दें, अगर नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी जो है ना बुरी आदत से हमें महफूज रखा है। अगर है तो फिक्र करें, छोड़ दें। आ गई समझ में बात? सलाम में पेश दस्ती फरमाते, यानी पहल फरमाते, ये नहीं कि इंतज़ार करते कि वो आ रहा है, देखूं तो सही वो सलाम करता है नहीं करता, नहीं। जैसे कोई आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उनको सलाम करते हैं, उनके सलाम करने का इंतज़ार ही नहीं करते। और हम क्या करते हैं, हम पास से गुजर जाते हैं फिर भी सलाम नहीं करते, अजीब बात है ना। जब चलते तो मर्द, औरतें, बच्चे जो सामने आते उनको सलाम करते, अरे मेरे नबी की शान तो देखें, मेरे नबी का अखलाक तो देखें, फिर हम अपनी ज़िंदगी भी देख लें। हम उम्मती हैं अपने नबी के, मगर हम उनके काम से, उनके अखलाक से मोहब्बत नहीं करते। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, एक मकाम पर मुसलमान और मुनाफिक मुसलमान भी बैठे हुए थे और मुनाफिक और काफिर, यानी मुनाफिक और काफिर लोग भी बैठे हुए थे, यक जा यानी एक साथ बैठे मिले यानी बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सलाम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सबको सलाम किया। हम तो अब कभी कभी जो है ना हम अपने घर वालों को भी सलाम नहीं करते, छोड़े इन्होंने सुबह जो है ना मुझे डांट लिया था, अम्मी ने डांटा था, क्यों सलाम करूँ, अब्बू को कल मैंने ये कहा था, अबू ने मेरी बात नहीं मानी, क्यों सलाम करूँ। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है ना। हमारे नबी को देखें, एक ऐसे आदमी से भी बात करते हैं, अच्छे नरमी के साथ बात अंदाज से बात करते हैं, जो कबीले में भी अच्छा नहीं समझा जाता, तो आप उसके साथ नरमी के साथ जो है ना बर्ताव करते हैं। और हम, हमारी ज़िंदगी क्या है कि हमारे अम्मी अब्बू हमारे लिए दिन रात हमारी खुशी के लिए कुड़ते रहते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, हाँ दिन रात यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों को फलां चीज़ की ज़रूरत होगी, वो कैसे पूरी होगी, फलां चीज़ें जो है ना वो कैसे पूरी होंगी, यानी कि आपके लिए दिन रात सोचते हैं, फिर हम क्या उनके साथ रवैया करते हैं। थोड़ी सी बात पे कोई एक बात पूरी ना हो जाए और हम मुंह बना के बैठ जाते हैं, खाना नहीं खाते। पता है माँ बाप को कितनी तकलीफ़ होती है जब उसकी औलाद जो है ना खाने से इनकार कर दे, उनकी हलक से एक निवाला तक नहीं उतरता जब तक उनका बेटा या बेटी, उनकी औलाद खाना ना खा ले। कदर करें आप वालदेन की और ऐसी चीज़ों से बचें जो हमारे अखलाक को, जिसकी वजह से लोग हमसे दूर हो जाएं। ये है हमारे नबी के अखलाक।
ये हमारे नबी की ज़िंदगी जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, हम उसके ऊपर अमल करें, हम उसके ऊपर बात करें। अब आपका जो होमवर्क आएगा, अगला होमवर्क जो है ना लेक्चर नंबर 3 का है, ये सवाल नंबर 2 है, ठीक है। दुरुस्त जवाबात पर निशान लगाइए, ये पेज नंबर 15 से लेकर पेज नंबर 17 के यानी सवाल नंबर 5 के एंड तक ये आपका होमवर्क है, और आप इसको अच्छे से जो है ना एक मरतबा जो है ना पूरे सबक की दोबारा रीडिंग करके इसको आप अच्छे से हल करेंगे, और ये हल करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम अगले सबक को जो है ना हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।